गुड इवनिंग एवरीवन बैक. सो वी विल बी टॉपिक टुडे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स चैप्टर इज सेम एंड टॉपिक विल बी पार्शियल देयर वाज सम डिले इन द मीटिंग बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट कनेक्टिव इशू सो इट्स नाउ गेट अवे एंड so we will begin with the partial fraction and note that fraction is very important really. So yeah, fraction, right? The topic you can, what is the half or not half, I would say some part, partial fraction, you know. So it's related when we have put into partial fractions, so you can have a link from that it's so the theory of partial fraction is not very great. Basically there are more sums, integration is all about sums theory, but at a higher level, you know, theory bhi hota hai fraction mein bahut zyada hota hai, but wo higher level pe hota hai, jaise engineering students ko जो जिन्होंने 12th पास वाले MSc BSc यू नो इन फील्ड ग्रेजुएट स्कूल, राइट? सो उनको थ्योरम्स मोर थ्योरी नहीं आना, थ्योरी आया तो यू नो इट्स प्लस पॉइंट, थ्योरी इज नॉट वेरी मच, राइट? थ्योरी इज स्मॉल पोर्शन, बट मेजर पोर्शन इज सम्स. जिसको इंटीग्रेशन के सम आ गए ही एवरीथिंग, राइट? सो इट्स पार्शियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट entrance as well, fine. Doing plenty of sums on this topic, plenty of sums in this topic, fine. And okay, so I will start the lecture. It's buffering, I can understand. There is some interruption here. See what we can do. We'll, you know, because I have fixed that issue, but still it's buffering. You know, let's see what happens. Okay, Uday Chaudhary, one new student. He's telling, sir, mera maths nahi hai, but physics mein lagta hai, toh main kya karu? Okay, fine. So, theek hai, integration aapko physics mein agar lagta hai, dekho, integration toh aana hi chahiye. Theek hai, aana hi chahiye integration. So, integration physics ho ya koi bhi subject ke liye lag raha hai. So, aapko chapter ka playlist hai, aap dekh lo. You can watch the playlist of chapter. We have the complete chapter. You can start with the basics. और इंटीग्रेशन तभी आता है जब डेरिवेटिव आता है, फाइन. फाइन, सो व्हाट वी विल डू, वी विल बिगिन विद द सम. आई नो यू नो इट्स ट्रबलिंग यू ऑल, यू नो इट्स बफरिंग, जस्ट वील चेक फॉर सम टाइम एंड देन वील टेक सम डिसीजन, फाइन. सो ओके, पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू. एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल समझो एक क्वेश्चन है, राइट? 3x प्लस, यू नो, 3x ओनली, 3x अपॉन, फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फॉर एग्जांपल इक्वल टू ए अपॉन, बस यही क्वेश्चन है. समझो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, यू नो दिस इज द क्वेश्चन. आई विल राइट इट अगेन बिकॉज यू नो इट्स लिटिल बिट, आई विल राइट इट अगेन. 3x अपॉन स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, फाइन. ये क्या है, समझो ये क्वेश्चन है. अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है. पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कैसे होता है वो तो मैं बताऊंगा. उसके 6 या 7 टाइप्स होते हैं, यू नो 6 होते हैं मेजरली टाइप्स होते. सो दिस इज वेरी यू नो अ मेजर टॉपिक, अ बिग टॉपिक. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग एज वेल, ये बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके खुद 5-6 पार्ट है, राइट? तो हम लोग पहला पार्ट बहुत फेमस होता है. देखो सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादातर यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पार्ट, आई एम हाईलाइटिंग इट एंड दिस इज
दिस टाइप ऑफ सम्स. आई टेक एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कौन सा पार्ट है, और हम लोग हर एक पार्ट को डीपली स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी. और लास्ट में मैं, लास्ट मतलब कल शायद, यू नो टुमारो आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स, सब पार्ट्स का मैं लिस्ट भी देने वाला हूँ. उससे क्या होगा, सब पार्ट्स का लिस्ट दूंगा तो क्लियरिटी होगा द पार्ट्स. सो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, पार्ट्स नहीं टाइप्स, राइट. सो उसमें से एक टाइप ये है, दिन तक यही सीखेंगे काफ़ी, मतलब यू नो फॉर टू डेज और थ्री डेज वी विल ओनली फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस टाइप ऑफ सम्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स हैविंग यू नो 20s and 50s ऑफ सम्स, राइट. सो वी विल बी डूइंग मेनी सम्स ऑन दिस. सो क्या करना, क्या है, देखो क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 3x है ना, ये जो 3x है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन को अभी साइड में कर देंगे, यू नो वी विल जस्ट रिमूव दैट इंटीग्रेशन. ये जो सम है ना, क्या सम है, ज़रा देखो, 3x अपॉन 3x को एज इट इज रखेंगे, बिकॉज 3x को और सॉल्व नहीं कर सकते, 3x है ना, 3x इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, जो 3x है इसको एज इट इज रखा. एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे. वी विल यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन दिस. क्या यूज़ करने वाले, वी विल बी यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन, क्या करने वाले यूज़ हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मैं बताता हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कैसे सॉल्व करेंगे वो सब मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू दैट हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना है, यू नो 3x एज इट इज लिखना है, इसको क्वाड्रेटिक लगाना है. अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्वाड्रेटिक लगाना है हमको कैसे पता चलेगा. देखो लॉजिक लगाना है, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं मुझे पहले बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो दिमाग लगाना है क्वाड्रेटिक ही लगेगा. 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, राइट, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ, आई होप सबको पता है, यू नो 3 के फैक्टर्स लेते हैं कितना होता है, 3 और 1, राइट. क्वाड्रेटिक आई होप सबको पता है क्वाड्रेटिक कितना होता है, इसके फैक्टर आएंगे 3 और 1, इसके 3 और 1, या 3 and 1, दीज आर द फैक्टर्स, राइट. नाउ वी हैव टू एडजस्ट द साइन, 3 के फैक्टर ले लिए 3 and 1. अब उसको अरेंज कैसे करना है, दैट वी हैव टू अरेंज लाइक दिस कि यू नो आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी शुड गेट द मिडल टर्म. हमको मिडल टर्म चाहिए, मिडल टर्म में प्लस 2x, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस 3 दे देंगे, माइनस 1 कर देंगे. आई होप सबको समझ में आ गया कि वाई, मैं बताता हूँ वाई, मैंने यू नो वाई आई एम डूइंग प्लस साइन ओवर हेयर एंड माइनस हेयर, क्यों किया मैंने, बिकॉज प्लस 3 माइनस 1, सॉल्व करो आंसर आएगा प्लस 2, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो आंसर कितना आ गया, प्लस 2, जो कि मेरा मिडल टर्म है, ठीक है सर. ऐड या सप्रैक्ट जब करोगे तो मिडल टर्म आना चाहिए, एंड प्लस 3 और से क्या माइनस 1, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, यू विल यू नो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू, सो यू विल गेट द आंसर एज 3 into -1 -3. मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आंसर है लास्ट टर्म जितना आना चाहिए, ये होता है क्वाड्रेटिक, बस इतना सिंपल होता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको पता नहीं कैसे होता है, 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक, दिस इज यू नो सिलेबस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू 2x जो है हमको, यू नो वी हैव टू टेक सच अ वे द फैक्टर्स इन सच अ वे, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि एडिशन करने की वजह से ये सॉल्व, इसको सॉल्व करने की वजह से कितना आंसर आया मुझे, प्लस 2, तो ये मिडल टर्म जितना होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने की वजह से यू नो वॉट एवर द आंसर आई एम गेटिंग, जो भी आंसर मुझे आता है वो लास्ट टर्म वाला थर्ड टर्म जैसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट पूछेंगे, सर ये प्लस 3 और माइनस 1 क्यों लिया, अगर मैं माइनस 3 प्लस 1 ले लूँ तो करके देख लो आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो आंसर माइनस 2 आएगा, कितना आएगा माइनस 2, बट मेरा मिडल टर्म माइनस 2 है कि प्लस 2 है, माइनस 2 है, गलत हो गया. सर मेरे जो फैक्टर 3 और 1 आपने बोला, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो आंसर आएगा 4x, राइट, यहाँ पे कितना चाहिए, प्लस 2 चाहिए, सो प्लस 4 आया, इट्स नॉट मैचिंग. सर फॉर एग्जांपल माइनस 3 माइनस 1 ले लूँ तो आंसर आएगा माइनस 4, ये भी मैच नहीं हो रहा है इसके साथ. तो याद रखो ऐसे हम लोग को साइन एडजस्टमेंट करना, फैक्टर कैसे निकाला, 3 का फैक्टर 3 और 1, बट साइन ऐसे एडजस्ट करना है कि या अगर देखो मैं क्यों ले रहा हूँ ये मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, बट स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग लिटिल बिट यू नो दे आर नॉट वेरी परफेक्ट इन देयर बेसिक्स, थोड़ा सा यू नो दे वॉन्ट टू ब्रश अप द स्किल्स, हेंस आई एम टेकिंग दिस. तो क्या करना है, जिस टाइम एंडिंग दिस क्या करेंगे, प्लस 3 और माइनस 1, ये साइन ऐसे ही क्यों एडजस्ट किया है, मैंने चारों केस लिया है, एक तो प्लस 3 माइनस 1, फिर माइनस 3 प्लस 1, फिर दोनों प्लस एंड दोनों माइनस, दोनों के साथ चारों के साथ कंपेयर कर लो, फाइनली प्लस 3
माइनस वन ही क्यों लिया है, बिकॉज इसको जब सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा प्लस टू जो कि मिडल टर्म है, और मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा माइनस थ्री जो कि लास्ट टर्म है। यही रूल होता है क्वाड्रेटिक का, बस इतना सिंपल होता है क्वाड्रेटिक। फाइन, सो फैक्टर कितने मिल गए मेरे को, यू नो प्लस थ्री एंड माइनस वन, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन। आई होप शॉर्टकट, आई एम यूजिंग द शॉर्टकट। अगर जिसको शॉर्टकट नहीं आता है वो क्या करेगा उसके लिए भी बताता हूँ मैं शॉर्टकट क्या, जिसको नहीं आता है देखो, तो याद रखो फैक्टर क्या है, थ्री और वन है ना, तो सीधा लिखना एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, डायरेक्ट शॉर्टकट है। बट फॉर दोज हु डोंट नो शॉर्टकट उनके लिए भी बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री था, इसी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, प्लस थ्री एंड जो टू था, टू की जगह क्या लिखूंगा, क्या लिखने वाला, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस टू एक्स की जगह क्या लिखने वाला हूँ, थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एक्स कॉमन निकल जाएगा, देखो यहाँ पे भी राइट एक्स कॉमन निकलो, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री। सर यहाँ से क्या करेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ से, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैं, एक मिनट जस्ट लेट मी सी वन मिनट, फाइन एक मिनट मैंने गड़बड़ तो नहीं किया ना, वन मिनट, हाँ गड़बड़ किया ना, ये माइनस है भाई, मैं बोला माइनस साइन था, ऑलरेडी माइनस है, मैंने गलती से प्लस लिया, फाइन। सो अब क्या करेंगे, दोनों में से यू नो आई टेक माइनस वन कॉमन, माइनस वन क्यों किया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है एक्स और थ्री में, तो माइनस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस थ्री। आई होप यू नो, तो सबको पता है, अब एक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लिया, दोनों जगह से रिमूव हो गया, क्या बच गया सर, एक्स बच गया, माइनस वन बच गया। तो लॉजिक वही है, ये 10 स्टैंडर्ड का रूल था, ऐसा सॉल्व करना है, मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स का सम है, बट एंट्रेंस और अभी तुम लोग का लेवल हाई हो रहा है तो क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट ये आना चाहिए, वही है, देखो आंसर इज सेम, यू कैन मैच इट आउट, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, आंसर वही है, वही सेम टू सेम है। बट शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं, आई विल टेल यू, क्या फैक्टर कितने आए थे, प्लस थ्री और माइनस वन, राइट, और हमारा फंक्शन कौन, एक्स है ना, हर जगह एक्स एक्स है, सो एक्स लिखना है प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ऐसे फैक्टर निकलेंगे, ठीक है, फाइन। सर अब क्या करेंगे, हाँ अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे आता हूँ, इफ़ यू विल सी दिस इज नॉट पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, ये बेसिक्स है, पार्शियल फ्रैक्शन अभी मैं सिखाता हूँ, फाइन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या है। क्या मिला मुझे, 3x अपॉन व्हाट आई गॉट, मुझे मिला भाई यू नो द, आई फर्स्ट राइट द इक्वेशन 2x माइनस थ्री, राइट, फिर क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन था, राइट, तो मैंने क्या किया, इसको 3x एज इट इज रखा एंड नीचे फैक्टर लिए जो कि x प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, नाम में लिखा है पार्शियल, पार्शियल मतलब यू नो सम पार्ट ऑफ दैट, सो उसका एक फॉर्मूला क्या है, मतलब व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई, ऐसा लिखना है, इसको लिखना है 3x अपॉन x प्लस थ्री अपॉन x माइनस वन जो है ना, इक्वल टू a अपॉन x प्लस थ्री प्लस b अपॉन x माइनस वन। थोड़ा सा तुम लोग कन्फ्यूज़ होंगे, सर ये क्या कर दिया है ना, सब कन्फ्यूज़ होंगे, सर ये क्या किया आपने, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जस्ट टेक इट, बहुत इजी, क्या किया इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, इक्वल टू a अपॉन पहला वाला यू नो द फर्स्ट पार्ट प्लस बी अपॉन सेकेंड पार्ट। अब थोड़े से स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये कैसे करा, क्यों किया, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ द वे हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही करना है इसको, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही करना है, फाइन। तो कभी कभी हमको लगता है सर ऐसा क्यों करना है, वाई वी हैव टू फॉलो दिस, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट, राइट, एक्सेप्ट करना है हमें, ऐसा ही गया बस। क्या करते हैं उसको, हम लोग लिखते हैं पहले जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक उसको सॉल्व करते हैं, और यू नो वी विल गेट टू फैक्टर्स, राइट, वन इज एक्स प्लस थ्री एंड वन इज एक्स माइनस वन, फिर उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। अब तुम लोग का ही क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, पता होना चाहिए ना तुम लोग को क्यों किया है, ऐसे ही होता है, यू नो दिस इज़ द वे हाउ इट वर्क्स, राइट। हैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथ्स पसंद नहीं, क्योंकि यही होता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने पहले बनाया हुआ है, तो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट। और ये इसका डिटेल भी है कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब पता चलेगा जब आगे आप इंजीनियरिंग या लेवल पे जाओगे तब पता चलेगा, अभी जानने का ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, अभी हमको सिर्फ सम्स करना है, तो ये एक फार्मूला की तरह लेना है, यू नो टेक इट एज अ फार्मूला। क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर में दिया हुआ यू नो समथिंग लाइक दैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, क्वाड्रेटिक जब भी दिया है उसको
क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। हाँ सर, कर दिया, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पे लगाया ना इक्वल टू, ठीक है। 3x अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 1। देन यू विल आस्क सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये जो होता है ना, ये जो दिख रहा है, इसको छोड़ दो, डोंट टेक दिस, इसको रहने देंगे। जस्ट सिर्फ देखो क्या करेंगे, 3x को रखो एज इट इज इक्वल टू, ये इसको मत लिखो, डोंट राइट दिस, आई टेल यू द रीज़न, डोंट राइट दिस, इसको ऐसे लिखना। यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबको पता है, ए एज इट इज इंटू एक्स माइनस वन, ए एज इट इज लिख दिया, और ये क्या है, ऊपर चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन प्लस बी एज इट इज था, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री ऊपर चला जाएगा। आई होप सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो यहाँ तक सॉल्व किया सर, इसके बाद क्या करना है, एक प्रोसीजर है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं बताऊँगा। तो ये सिर्फ आइडिया देना था, ये कोई सम नहीं था, एक यू नो जस्ट एक आइडिया देना था तुम लोगों की पार्शियल फ्रैक्शन होता कैसे है। सो होप सबको समझ में आया। याद रखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक पार्ट है। मैं रिपीट करता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं एक चार्ट बना दूँ, छोटा सा चार्ट फॉर यू, ना जस्ट मेक अ चार्ट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलस, कैलकुलस मतलब यू नो इंटीग्रेशन हुआ, यू नो डेरिवेटिव, यू नो डेरिवेटिव्स, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड समथिंग लाइक दैट, कंटिन्यूटी एंड ऑल। उसके अंदर एक होता है इंटीग्रेशन, सबसे पावरफुल, मेरा फेवरेट, तुम लोग कभी बन जाएगा फेवरेट, डोंट वरी। इंटीग्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, वन होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रल। इसमें लिमिट्स लगते हैं, मतलब ना जैसे अभी ये नॉर्मल वाला है, इसमें क्या होता है, ए और बी या यू नो थ्री और टू, ऐसा लिमिट्स लगते हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, डोंट वरी, वी विल लुक इन टू दैट। तो अभी हमारा इससे अभी मतलब नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दिस, राइट? इसके अंदर बहुत सारे टाइप है, तुमको पता है इनडेफिनेट में हमने वही चेकअप से चल रहा है, कितने सारे टाइप होते हैं इसके अंदर, है ना? उसमें से एक टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन, जो आज कर रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद सबसे और भी बहुत कुछ है, जो पार्शियल ये एक टॉपिक हम आज कर रहे हैं। छह टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन, छह में से जो पहला वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा तुमको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तुम्हारे पास कि जो कर रहे हो क्या कर रहे हो, यू शुड नो दैट क्या क्या हम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट? सो इन्फॉर्मेशन ये कैलकुलस और इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन में दो है, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर, डोंट वरी अबाउट दिस। इंटीग्रेशन में एक हो गया सब्सटीट्यूशन, एक हो गया यू नो कल हमने किया है, फिर बहुत सारे हैं ना, हमने कितने बार किए, फिर टाइप हो गए, टाइप वन टाइप टू, फिर कल वाले किए पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, ये टाइप्स है, राइट? सिमिलरली एक टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन, उसके अंदर और टाइप हैं, छः टाइप्स हैं। सो वी विल बी डूइंग, वी आर डूइंग द फर्स्ट टाइप। ये जो पांच टाइप है ज़्यादा फेमस नहीं है, बट हाँ आ सकता है, एनीथिंग कैन कम इन एग्जाम, यू नो वी डोंट नो, राइट? वी आर नॉट सेटिंग द पेपर, बट दिस इज़ वेरी फेमस पार्ट, ओके। और बोर्ड में टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादातर इसमें से आता है, बोर्ड में, एंट्रेंस में मैं बताऊँगा कहाँ से आता है, डोंट वरी, जब एंट्रेंस करेंगे याद रखो एंट्रेंस में भी है। ये क्या है, आज ना मैं बोर्ड का कर रहा हूँ ना मैं एंट्रेंस का कर रहा हूँ, ये थ्योरी समझा रहा हूँ, राइट? हम लोग अभी कल से इस पे सम्स करने वाले, बहुत डिटेल में एंट्रेंस के भी लेने वाला हूँ मैं और बोर्ड्स के भी लूँगा। ये मैं सिखा रहा हूँ कि करते कैसे हैं, लॉजिक लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। ये कोई पर्टिकुलर बुक से सम नहीं हो रहे, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, कैसे होता है मेथड टू डू पार्शियल फ्रैक्शन, फाइन। सो आई होप यू गॉट द आइडिया, कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक है सॉल्व करेंगे। तुम्हारा मन में क्वेश्चन होगा सर क्वाड्रेटिक आपको कैसे पता चला कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, अरे दिमाग लगाओ यार, ये क्वाड्रेटिक है, यू हैव टू सॉल्व देम, राइट? क्वाड्रेटिक के पता चलता है सॉल्व होगी, है ना? उसके बाद क्या करेंगे, हाँ उसके बाद क्या किया, ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। नाउ यू विल आस्क मी वन मोर क्वेश्चन, सर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, सर मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं तो एक चीज़ याद होगा, एक टाइप था यार न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, याद है? आपको याद है,
उसका इससे कुछ लेना देना नहीं, बट स्टिल आई एम, क्यों मैंने ये इसको याद किया बस। और बी क्या था यहाँ पे भी पता नहीं, हेल्पिंग हैंड, पूरा सॉल्व करते थे एंड ए और बी निकालते थे राइट, फिर वापस ए का वैल्यू मिल जाता था 2/5, समझो बी मिल गया -1/5, इसको हम यहाँ पे पुट करते थे राइट, उसके बाद न्यूमरेटर की जगह, यू नो सो आर यू गेटिंग। सो ए और बी है नहीं कुछ, हेल्प करने के लिए हमने लिया है एंड उसको वापस उसका वैल्यू निकालेंगे एंड वापस यहाँ पे पुट करेंगे, सिमिलर यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग सोचोगे सर ए और बी क्या है, ए और बी पता चलेगा क्या है, एक हेल्प करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इन दोनों को, ए और बी को, हेल्पिंग हैंड। सर इनका वैल्यू कितना है पता नहीं, वही निकालना है, एक बार ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अभी हम सम स्टार्ट कर देते हैं, ये एक थ्योरी था, इंट्रोडक्शन था। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा डाउट है यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, आई नो इट्स बफरिंग, मेरे को समझ में आ रहा है बफर हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी कंपेरेटिवली कम बफर हो रहा है आई होप राइट, स्टार्टिंग में तो बहुत कम हो रहा था, अभी ज़्यादा हो रहा था, नाउ इट्स वेरी लेस राइट, आई होप लेस बफरिंग। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट, सो यू कैन जस्ट टेल मी इन टू द चैट बॉक्स, सब लोग में आ रहा है कि नहीं, आई होप यू नो हूएवर इज़ वॉचिंग जस्ट टेल मी समझ में आ रहा है और नो समझ में आ रहा है कि नहीं राइट, यू जस्ट लेट मी नो। कम ऑन फास्ट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट द सम, नेक्स्ट सम। फाइन फाइन ओके, सो आई विल स्टार्ट द न्यू सम, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरी वन इज गेटिंग वेरी गुड, ठीक है ठीक है। एंड याद रखना है हम लोग बहुत यू नो वी आर इन अ वेरी गुड स्टेज, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज सम्स एट होम, प्रैक्टिस करो इसको, और हम लोग बहुत मतलब अच्छा यू नो वी आर एट पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत अच्छा लेवल है, वी आर एट अ गुड लेवल, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस फाइन एट होम। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ऑफकोर्स ये भी एक क्वेश्चन जैसा ही था, ये जो प्रीवियस वाला था ये भी एक क्वेश्चन था बट पूरा हुआ, सो यू विल गेट कन्फ्यूज क्वेश्चन का, डजंट मैटर, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 4x/2x² + x-1 dx, क्वेश्चन नंबर वन, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 4x/2x² + x-1, देख के पता चल गया क्वाड्रेटिक लगेगा नीचे, और क्वाड्रेटिक अगर लग रहा है इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का सम। देखो इंटीग्रेशन में इज़ वेरी इजी, मैं सच बोलता हूँ, इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स को डरा देते हैं टफ है टफ है, असली में कुछ होता नहीं, दो ही चीज़ होता है, प्रैक्टिस होना चाहिए और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा रूल यहाँ लग रहा है, आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रूल भाई यूज़ हो रहा है राइट। तो याद रखना है ये रूल कैसे पता चला कि हमको सर आपने यहाँ पे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लेना है, यू बाई वी लगाना है, कैसे पता चलेगा यू इन टू वी। सो द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दो। सर क्वाड्रेटिक है मतलब क्या, उसका लिंक पार्शियल फ्रैक्शन से ज़रूर होगा, ठीक है, जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और बहुत सारे सम 10-20 सम, यू विल गेट एन आइडिया दैट whenever you solve this and you know you are getting a quadratic and whenever you solve the quadratic equation that is linking with partial fraction, uska answer kuch na kuch uska answer partial fraction se hi aayega, kal ko ho sakta hai yahan pe cube bhi hoga, cube I hope sabko pata hai cube aa jata hai, synthetic division lagana padta right, I hope everyone knows right, we have to use synthetic division, agar kisi ko nahi pata to bhi bata dunga don't worry fine, but abhi aage wale sum dekhoge synthetic division bhi lagne wala right, we will be using synthetic division as well, तब पता चलेगा राइट। सो फाइन अब हम क्या करेंगे, एज द नेम से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, 2x² + x-1, तो इसका क्वाड्रेटिक क्या होगा, 2 × 1 है ना, 2 × 1 कितना होता है 2, तो 2 के फैक्टर निकालेंगे, 2 के फैक्टर कितना होता है 2 और 1, सो 2x² + यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x - x - 1 = 0, आई होप यू आर गेटिंग राइट, कैसे आया मैं बताता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन था ठीक है, ये इक्वेशन था, ये वाला कॉपी किया पेस्ट किया, फैक्टर लेंगे हम 2 × 1 है ना, मल्टीप्लाई करके फैक्टर लिए 2 × 1 के 2 और 1 राइट। सो अब क्या करेंगे हम, ऐसे अरेंज करेंगे +2 - 1, कैसे अरेंज किया +2 और -1, तुमने सोचोगे सर ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर x लगा दिया हमने +2x - 1x, सो आंसर इज़
एक्स राइट प्लस एक्स, यही तो चाहिए, देख लो मिडल में यही तो चाहिए अपने, है ना, प्लस एक्स। जब भी ऐड या सबट्रैक्ट एक्स एंड मल्टीप्लाई इन माइनस वन, माइनस साइन है बाहर आ जाता है, ये प्लस को माइनस बाहर आएगा, तो आंसर विल बी इन, व्हाट विल बी द आंसर, माइनस टू इंटू वन, व्हाट इज द आंसर, माइनस टू राइट, एक्स स्क्वायर माइनस टू आंसर राइट। तो ये देखो टू इंटू माइनस वन, इनको मल्टीप्लाई करो तो भी कितना आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस टू एक्स स्क्वायर। सो आई होप यू आर गेटिंग, इसका मतलब होता है ऐड करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, फाइन, आई होप सबको पता है। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने पिछले समय बोला लास्ट टर्म आना चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्यों बोला था, क्योंकि ये वाले सम में देख लो यहाँ पे ये वन था राइट, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो ये थ्री रहेगा ना, इसलिए मैंने इसको प्रोडक्ट नहीं बताया। बट असली में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लेते हैं, ये वन था इसलिए मैंने इग्नोर किया राइट, पर यहाँ पे वन नहीं है, यहाँ पे क्या है टू है, सो टू इंटू वन का आंसर जो भी है, टू इंटू वन नहीं, टू इंटू माइनस वन का जो भी आंसर है माइनस टू लिख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई के बाद भी माइनस टू आया। आई होप यू आर गेटिंग राइट, आई एम सॉल्विंग द बेसिक क्वाड्रेटिक, फाइन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स सर, व्हाट आर द फैक्टर्स यू कैन आस्क मी सर, वेरी सिंपल फैक्टर्स, टू एंड माइनस वन, टू एंड माइनस वन आर दी फैक्टर्स, टू एंड माइनस वन ये फैक्टर मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, फोर एक्स एज इट इज अपॉन फोर एक्स एज इट इज, और एक बात याद रखो, ये इंटीग्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार ले रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग दैट वी शुड नॉट टेक इंटीग्रेशन, याद रखो इंटीग्रेशन लेना नहीं है, सीधा लिखना है लेट, लेट फोर एक्स अपॉन, ये क्या था, कितना है वो ज़रा बताओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन राइट, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग इट एज फोर एक्स अपॉन, इसको पहले फैक्टर्स मुझे टू और माइनस वन, मैंने बताया शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस टू है ना, सो एक्स प्लस टू और माइनस वन राइट, माइनस वन, सो इट विल बिकम एक्स माइनस वन, ये फैक्टर मिल गया, हाँ सर मिल गया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बहुत सिंपल, इसको लिखना है नीचे फोर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, फोर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन कितना है, इक्वल टू क्या लेना है, मैंने बताया अभी ए अपॉन, अरे कितना लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने गड़बड़ कर दिया इस जगह, मेरे को किसी ने बोला नहीं गड़बड़ की, मैं इधर फैक्टर नहीं ले पा, गलत कर दिया मैंने, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, फैक्टर गलत ले लिया मैंने, वेरी शॉक दैट यू नो व्हाई मिस्टेक, देखो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ किया मैंने, डोंट वरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे शॉर्टकट लगाया ना मैंने, इधर मिस्टेक हो गया, शॉर्टकट नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ क्या करना है, डोंट वरी, मैं ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं बताता हूँ क्या किया, देखो क्वाड्रेटिक क्या था, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन राइट, क्वाड्रेटिक क्या है मेरे पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन राइट, दिस इज द, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, लिसन वेरी केयरफुली, मेरा फैक्टर ही रॉन्ग ले लिया मैंने, हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लेंगे इसके, कितने फैक्टर आए थे, प्लस टू और माइनस वन आया था राइट, तो ये क्या करूँगा मैं, टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, ये जो एक्स है ना इसकी जगह क्या लिखूँगा, प्लस टू एक्स माइनस एक्स, प्लस टू एक्स माइनस एक्स फैक्टर आए थे राइट, एंड माइनस वन एज इट इज़, फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, टू एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या कर दिया, शॉर्टकट मत यूज़ करो, ये सब शॉर्टकट की वजह से हो गया, शॉर्टकट यहाँ नहीं लग रहा है, गलत हो गया, मत यूज़ करो, फाइन, टू एक्स राइट, टू एक्स लिख दिया, व्हाट इज़ रिमेनिंग, एक्स प्लस वन, आई होप, क्या किया मैंने, इन दोनों में, दोनों के पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना दिया और इन दोनों का पेयर बना दिया राइट, सो टू एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस ये टू एक्स, ये भी कॉमन निकाल लिया, वन बच गया राइट, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस वन कॉमन निकाल लिया, फाइनली क्या बच गया, एक्स प्लस वन, सो फाइनली ये और ये कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या, व्हाट इज रिमेनिंग, टू एक्स माइनस वन, सो फाइनली फैक्टर कितने मिले, एक्स प्लस वन और टू एक्स माइनस वन, मैंने फैक्टर थोड़ा बाय मिस्टेकली यू नो आई टेकन रॉन्ग फैक्टर, सो दिस इज द आंसर राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, ये फैक्टर लिखूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा मैसी जस्ट राइट ऑन द न्यू पेज, ध्यान से देखना है क्या करूँगा मैं, फोर एक्स अपॉन क्या था, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन राइट, क्या करूँगा मैं, लेट फोर एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन था ना, इसको मैंने क्या लिखना है, इक्वल टू, बोलो क्या लिखूँगा, फोर एक्स एज इट इज़, और फैक्टर, नए वाले फैक्टर कितने मिले थे मुझे,
क्या मिला फैक्टर, x प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। देख लो यही दो फैक्टर मिले थे मुझे अभी रिसेंट वाले x प्लस वन टू एक्स माइनस वन, राइट। आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट आउट। इसको सॉल्व किया बहुत सिंपल, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया और ये फैक्टर मिल गए, ठीक है सर। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल स्टेप। देयर फोर फोर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या करना है, मैंने अभी बताया क्या करेंगे, a अपॉन फर्स्ट वाला, क्या है फर्स्ट वाला x प्लस वन सर, प्लस b अपॉन सेकेंड वाला क्या है टू एक्स माइनस वन। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, मैं मानता हूँ, आई एम यू नो टेलिंग यू दैट तुम लोग को थोड़ा सा इरीटेट भी हो रहा होगा, सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है बट थोड़ा सा न्यू है समझ, मतलब फिट नहीं हो रहा दिमाग में, राइट। मैं समझ सकता हूँ लेकिन अंडरस्टैंड दिस इज़ यू नो इट हैपेंस, डोंट वरी, तुम्हारे साथ अकेले नहीं हो जिसके साथ हो रहा है, सब स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ये चीज़ टफ नहीं है, मेरी बात समझो, चीज़ कुछ नहीं है, यू नो क्वालिटी कॉन्टेंट इज़ वेरी, वॉट इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट इट्स न्यू, न्यू है, नया काम है, समझ। सो प्लीज़ कॉल, किसी को समझ में नहीं होता, ये नया टॉपिक है, तुमने पार्शियल फ्रैक्शन का कभी पी भी नहीं सुना होगा कभी लाइफ में, सो फर्स्ट डे है, टेक योर टाइम। इसका ये मतलब नहीं ये टफ है या हमको समझ नहीं आ रहा या मुझे समझाने नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है। व्हाट इज़ द लॉजिक दैट दिस इज़ न्यू टू अस। सो बार बार मैं तुम लोग को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्या करना है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। क्या कर रहा हूँ मैं फिर से बताता हूँ, फोर एक्स अपॉन एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक, पहले तो इसको लिख दिया लेट, ये जो क्वाड्रेटिक था ना इसको सॉल्व कर दिया, क्या फैक्टर मिला एक्स अप एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन, ये फैक्टर मिल गया। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया है, कभी एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ तो मैं बता दूंगा, यू नो डाउट लेक्चर रखेंगे उसमें पूछ लेना, ओके। अभी याद रखो मैं इतना भी बोल रहा हूँ, अगर तुमको ये नहीं आता है टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं किया है डोंट वरी, याद रखो इसका आंसर ये आ गया, कैसे आया बाद में बता दूंगा, यू नो इन एक्स्ट्रा लेक्चर आई टेल यू। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाले को एज इट इज़ कॉपी कर दिया, देखो कॉपी करके लिख दिया, देयर फोर लगा दिया, इक्वल टू क्या किया ए अपॉन फर्स्ट वाला प्लस बी अपॉन द सेकेंड एलिमेंट। आई रिपीट क्या किया, ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, पता चल रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, हाँ सर देख के पता चलेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो ना, फिर कर दिया सर। उसके बाद क्या, इसको कॉपी कर दो, इसको क्या कर दो इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन सेकेंड वन, राइट। सो ए अपॉन फर्स्ट वन एक प्लस बी अपॉन सेकेंड वन। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन वाई वी आर डूइंग दिस, इज द वे हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही करना है इसको, ऐसे ही कर दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे मैंने बताया, अब क्या करेंगे इसको इग्नोर कर देते हैं हम, कट मत करना, डोंट कट, जस्ट टेलिंग यू इग्नोर, इग्नोर कर दो इसको, इग्नोर करेंगे मतलब इसको ध्यान नहीं देना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया 4x है ना, ये इसको लिख दिया इक्वल टू, सर यहाँ पे क्या होगा दिमाग लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई इज ओनली ऑप्शन, राइट। वी आर लेफ्ट विथ क्रॉस मल्टीप्लाई इज द ओनली ऑप्शन विच वी आर लेफ्ट विथ। तो क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको, क्या हो जाएगा ए अपॉन इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। आई होप सब लोगों को समझ में आया, एवरी वन एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अगर मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा विथ रीज़न बताता हूँ, एक काम करो इसको एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस लिख दो, टू एक्स माइनस वन लिख दो, लिख दो, डोंट वरी, इग्नोर मत करो उसको। अब एलसीएम लिया ना हमने, ए इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और तुमको पता है एलसीएम में क्या होता है, नीचे प्रोडक्ट आता है कि नहीं, अरे आता है कि नहीं, नीचे मल्टीप्लाई हमें होता है, अरे एलसीएम आता है ना सब लोग को, क्या करते हैं ए एज इट टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ सर अब देखो एक्स प्लस वन एक्स प्लस कैंसिल, और क्या बच गया हमारे पास इक्वल टू क्या बच गया ए अपॉन वन प्लस बी एक्स प्लस वन। होप सबको यहां तक क्लियर, ठीक है डोंट वरी, अभी मैं इसको इतने सारे लूंगा तुम्हारा यहां, एक मिनट, वन स्टूडेंट हैविंग वन डाउट, फैक्टर्स को ही ए एंड बी के अंडर लिखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो
फैक्टर, दूसरा फैक्टर, इसी को ए के नीचे रखना है और बी के नीचे लिखना है। डाउट क्या है इसे नीचे क्या रखना है बी के नीचे? बहुत ईजी, सही बोला तुमने, ही रखना है। फैक्टर क्या मिले सर? x प्लस वन एंड टू एक्स माइनस वन, इसी को इक्वल टू ए के नीचे फैक्टर प्लस बी के नीचे फैक्टर, दूसरा वाला फैक्टर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन का पहला टाइप। ठीक है, अब आगे तुम देखोगे वो नेक्स्ट फैक्टर आ जाएंगे। सर तीसरा वाले का क्या करेंगे? प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग। ठीक है, जब दो फैक्टर होंगे तो ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन टू एक्स माइनस वन। सर उसके बाद क्या कर दिया? ये जो इग्नोर मैंने वर्ड लिखा था उसको भूल जाओ, मैंने कुछ बोला था भूल जाओ, उसको ज़रूरत नहीं था बोलने, डोंट वरी, बाय मिस्टेक आई टोल्ड साइन फाइन। सो फोर एक्स एज इट इज अपॉन एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन लिख दिया सर, एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एज इट इज इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी एज इट इज एक्स प्लस वन अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू नो आई होप सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, सबको पता ही होना चाहिए, एलसीएम। हाँ सर, एक्स प्लस वन गया, एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। सर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, कैंसिल कर सकते हैं, वही तो करना है। ठीक है सर, क्या बच गया? नीचे वाला तो पूरा क्लियर हो गया, ओनली द अबव पार्ट इज रिमेनिंग। व्हाट इज द अबव पार्ट? क्या ऊपर का पार्ट क्या है? फोर एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। आई होप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फाइन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुजल आई नो इट्स बफरिंग, यू नो यू आर टेलिंग करेक्ट, थोड़ा बफर हो रहा है, मुझे पता है आज थोड़ा सा बफर क्यों हो रहा है, मैं बताऊँ व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज यू नो इन द एरिया वेयर आई लिव देर इज़ सम यू नो फॉर 5 to 10 minutes देर वॉज अ हैवी रेनफॉल टुडे, बहुत जोर की बारिश हुआ, यू नो आज ही हुआ ऐसा, बारिश होता है बट यू नो इट टेक्स टाइम, काफ़ी देर तक होता है, बट टुडे फॉर 10 minutes to 5 minutes इट हैपेंड एंड शायद यू नो देर माइट बी सम पावर इशू और सम नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू टू द होल एरिया, इसलिए थोड़ा सा बफर हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता तो आज का लेक्चर हम कल ले लेते बट मुझे आज मतलब करना ही था स्टार्ट पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज यू नो लिंक टूट जाता है इंटीग्रेशन में, लिंक टूट जाता है, सो इसलिए आई यू नो इंटीग्रेशन, यू नो मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज नॉट लाइक यू नो हिस्ट्री ज्योग्राफी और यू नो केमिस्ट्री बायोलॉजी कि एक चैप्टर हो, एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो पार्ट टू का बुक है उस पूरा रिलेशन है, डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन, हर सम में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, तो इसलिए मैं लिंक तोड़ना नहीं चाहता हूँ, हेंस आई डोंट गिव हॉलीडेज, राइट। ठीक है फाइन, सो आई विल कंटिन्यू। फोर एक्स एज इट इज़ इक्वल टू ए इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू, यहाँ तक क्लियर है, राइट। और अगर तुमको 50% भी समझ में आ रहा है डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, फाइन। What is the next thing what we have 4x कुछ कर नहीं सकते because it is already sorted out, right? इसको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं, क्या करेंगे सर? a into 2x 2ax है ना, a into 2x को मल्टीप्लाई करो 2ax माइनस साइन एज इट इज a into 1a प्लस b into x bx प्लस b into 1 is b, ओके सर। What is the next step? Very simple, बताया हुआ है तुम लोगों को, x वाले एक तरफ लेने, देखो x वाला है, हाँ सर ये भी x वाला है, ले लो ना एक साइड। कैसे लेंगे? कॉमन तो बाद में लेंगे, पहले उन दोनों को एक साथ ले लो, तो 2ax लिख दिया और ये जो है ना b, इसको मैं इधर लेके ला गया, मतलब प्लस bx कर दिया। क्यों कर दिया? मुझे कॉमन लेना है x को, टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए पहले उसको पास में बुलाया, ठीक है सर। उसके बाद ये माइनस a को उधर भेज दिया है ना, स्वैप कर दिया दोनों को, माइनस a प्लस b वहाँ पर चला गया। सर उनको वहाँ क्यों भेज दिया माइनस ए को? क्योंकि ये अलग, इनकी अलग पेयर बनेगा, इनका एक अलग पेयर बना दिया, क्यों? बिकॉज दोनों में सेम सिमिलरिटी, राइट। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, ले लिया सर, क्या बच गया अंदर? टू ए बच गया, एक्स कॉमन ले लिया ना, टू ए बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया? बी बच गया, है ना, क्या बच गया? बी बच गया। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है आज, मैं इतना मिस्टेक कभी करता नहीं, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से इतना मिस्टेक हो रहा है आज। मैं बताऊं क्या, मैं पार्शियल फ्रैक्शन को ना कितने 6-8 महीने बाद मैं आज चैप्टर को ओपन किया मैंने, ये चैप्टर को, इंटीग्रेशन तो मैं बहुत करता हूँ बट पार्शियल फ्रैक्शन को मतलब मैं छोड़ ही चुका हूँ ऐसा, मतलब काफ़ी टाइम से बहुत कम किया है पार्शियल फ्रैक्शन, तो आई एम वेरी सॉरी। बात बताऊं क्या, मैंने यहाँ पे फिर से मिस्टेक कर दिया, तुम लोग देखोगे सर ये होता नहीं मेरे से मिस्टेक, यहाँ पे ज़ीरो लेना था, मिस्टेक कुछ नहीं है, बस ये ज़ीरो लेना था,
वो रूल होता है पार्सल फ्रैक्शन का। सो प्लीज़ कंसिडर, मेरे मिस्टेक ज़्यादा होते नहीं बट आज हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझे वो करो, यू नो थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। मेरे से होते नहीं बट आज बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं मेरे से। क्या प्रॉब्लम है मैं भाई बता रहा हूँ, 6 से 8 महीने से मैंने पार्सल फ्रैक्शन टच नहीं किया था, हेंस ये सब हो रहा है। सब चीज़ राइट है बट सिर्फ इसको यहाँ पे ज़ीरो लेना था। क्यों लेना था मैं बताता हूँ। सो आई विल राइट इट वंस अगेन, आई विल नॉट राइट द एंटायर सम, पूरा सम नहीं लिखूंगा मैं, नहीं लिखना ही पड़ेगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड यू माइट बी यू नो इरिटेटेड बाय दिस वन बट इट्स फाइन यू नो, ठीक है ओके। अब मैं क्या करता हूँ शॉर्ट में, तुम्हारे लिए अच्छा है बार बार रिपीट हो रहा है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4x अपन क्या था, 2x² + x - 1 रहे, क्या कर दिया मैंने, फैक्टर ले लिए, इंटीग्रेशन नहीं लेना, लेट 4x अपॉन इसको क्या करना है, इसको फैक्टर लेना है। क्या फैक्टर मिले थे मुझे, x + 1 और सेकंड क्या मिला था, 2x - 1, ये दो फैक्टर मिल गए राइट। इसको मैंने क्या करना है मुझे, व्हाट वी हैव टू डू, इसको लिखना है a अपॉन x + 1 प्लस बी अपॉन 2x - 1, है ना। क्या करना है, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन 2x - 1। तुम बोलो सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत सिंपल काम करेंगे, मैंने बताया हुआ है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x अपॉन बाकी सब एज इट इज़, ये पूरा एज इट इज़, 4x अपॉन x + 1 अपॉन 2x - 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, LCM लेंगे। तो कैसे लेते हैं, बहुत सिंपल, a लिखना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 प्लस b लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बॉक्स को राइट, x + 1 अपॉन क्या होगा, x LCM का रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट होता है राइट, लिख दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x - 1 कैंसिल, राइट कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 2x - 1 प्लस b इंटू x + 1, ठीक है यहाँ तक हम लोग आ गए। नाउ यू विल बी आस्किंग सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू। देखो मल्टीप्लाई तो a के साथ करना है बट याद रखो उससे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है, लिसन वेरी केयरफुली, जो मेरा मिस्टेक हो गया, लिखना है पुट x + 1 इक्वल टू 0, मतलब ये इसको 0 पुट करना है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, मैंने बताया यही तरीका है करने का, एक स्टेप्स होता है ना, स्टेप्स प्रोटोकॉल, मतलब जैसे आपको सब लोग को याद होगा हम लोग ना वो वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, कौन से सम्स होते हैं वो मैं भूल गया, कौन से होते हैं एक मिनट, सम का नाम मैं भूल गया हूँ, कौन से थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है सब लोग को याद होगा, उसमें एक चीज़ होता है क्या बोलते हैं, मैं भूल गया यार, मेरा फेवरेट है वो, उसमें तुमको याद होगा मैंने तुमको 8 से 10 स्टेप्स लिख के दिए थे एल्गोरिदम्स, कि वैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, इसका भी वैसा ही स्टेप बाय स्टेप है। तो ये भी स्टेप है, क्या स्टेप है, x + 1 को 0 पकड़ना। तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ x + 1 को पकड़ना है क्या, हाँ पहले टाइम x + 1 को, सेकंड टाइम 2x - 1 को भी पकड़ेंगे। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो मैजिक दिखना, क्यों किया मैंने, हमारा मेन मोटिव क्या है, ए और बी निकालना, हमारा मेन मोटिव क्या है सर, ए और बी निकालना। तो क्या करेंगे, 4x एज इट इज़, सर 4x एज इट इज़ क्या, नहीं x + 1 अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना हुआ, ये +1 उधर गया तो x कितना होगा, -1, तो x की जगह क्या लिखना है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, a इंटू 2x, मतलब 2x का वैल्यू कितना मिला, -1 है ना, x कितना है, -1, तो 2 की जगह 2 एज इट इज़, x की जगह क्या लिखा, -1 सर ये पहले से -1 था ओके, प्लस सर b इंटू, सर आपने इसको अभी 0 पकड़ा ना, x + 1 इक्वल टू 0, ये पूरे b को ना मुझे कैंसिल करना था इसलिए इसको 0 पकड़ते हैं, इसलिए मैंने इसको 0 पकड़ा, फाइन। अब तुम लोग सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, 4 - -1 - 4 सर इक्वल टू, तो सॉल्व करो, 4 - -1 कितना है, -4 इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, a एज इट इज़, इसको सॉल्व करो, 2 - -1 - 2 और ये -1 एज इट इज़ प्लस 0। नाउ यू लास्ट सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, -4 इक्वल टू a एज इट इज़ -3, है ना, -2 - -1 - 3, a कितना मिल गया, पहले तो -1 कैंसिल कर दो, हाँ सर कर दिया, a का वैल्यू कितना मिल गया, 4 को एज इट इज़ रखो, ये 3 को नीचे भेज दो, ये लो मिल गया, ये कितना मिल गया, 4/3। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन वेरी केयरफुली, तुम लोग पूछोगे सर आपने x + 1 0 क्यों लिया,
हाँ एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया उधर भेज दिया वो समझ में आया, बट एक्स प्लस वन को जीरो क्यों लिया है? क्योंकि सिंपल बताऊँ कारण क्या है, बी को मुझे कैंसिल करना है। सर बी को कैंसिल करना है, क्यों करना है? अरे जब तक बी रहेगा तब तक ए का वैल्यू नहीं मिल सकता। सर ऐसे कैसा? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर सब लोगों को एक चीज़ पता होगी, कभी तुम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया टेंथ स्टैंडर्ड में, 2x प्लस एक्स इक्वल टू टू, 2x माइनस एक्स इक्वल टू वन, सॉरी y, है ना? साइमल्टेनियस को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो प्लस y माइनस y कैंसिल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो 2x का और इनको ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस 2x कितना 4x हो जाता है, इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाता है, x का वैल्यू 3/4 मिलता रहे। तो y को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। सर क्यों करते हैं? अगर y को कैंसिल नहीं, एलिमिनेट नहीं करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा। y को इफ़ यू नॉट एलिमिनेट यू विल नॉट गेट दी आंसर, यू विल नेवर गेट दी आंसर। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जीरो क्यों पकड़ रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि जान मुझके इसको जीरो हो। तो जीरो कब पॉसिबल होगा? जब x प्लस वन को जीरो लूँगा, क्योंकि ये x प्लस वन है ना, तो मैं चाहता हूँ ये पूरा जीरो हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, x प्लस वन पहले से था, देखो x प्लस वन ही है ना, इसको जीरो पकड़ लिया। तो मैंने सर क्यों किया इसको जीरो? बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ b निकल जाए क्योंकि a का वैल्यू चाहिए। सर अगर इसको जीरो नहीं किया तो b का वैल्यू नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों? अब इसका लाइव एग्जांपल दूँ तो मैं तुमको लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। स्वॉर्ड पता है सब लोग को? स्वॉर्ड तलवार, राइट? यू आई होप एवरीवन नो दिस स्वॉर्ड, राइट? आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम फॉर स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड नहीं है, स्वॉर्ड का केस है। केस पता है क्या सब लोग को? तो स्वॉर्ड होता है, राइट? ये और उसके अंदर एक तलवार जाती है, राइट? ये अपनी तलवार है, यू नो दिस इज द स्वॉर्ड, और इसका हैंडल है, राइट? इसको पकड़ते हैं। सो ये स्वॉर्ड है, तलवार मेन तलवार, ये अंदर जाती है, राइट? वो केस है। ये क्या है? केस है उसका। केस मतलब क्या होता है सबको पता, राइट? मियान बोलते हैं उसको, जियान नहीं है वो, इस बार डोरेमोन का जियान नहीं, मियान हिंदी में बोलते हैं उसको, फाइन। सो ये केस है एंड ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, स्वॉर्ड है। तो कभी तुमने देखा अगर मैं दूसरी स्वॉर्ड लेके आ जाऊँ, ये जाएगी क्या अंदर? ये बोलेगा प्लीज अरे मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे को एडजस्ट करो। नहीं हो सकता बॉस, दोनों में एक ही होगा, ये रूल है, स्वॉर्ड में भी रूल होता है। तो अगर मैं एक को निकाल दूंगा, ये या ये कोई भी एक को, तो क्या हो जाएगा, मेरी स्वॉर्ड का ये जो वो था और ये मेन, अब क्या होगा, ये पूरी फिट हो जाएगी और एक अंदर चली गई, और जब मेरा मन है निकाल दो, जब अंदर है आई कैन पुट इट बैक। सो लॉजिक इज, लॉजिक क्या है, क्यों मैंने एग्जांपल दिया इसका, बताने के लिए कि ए और बी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक को निकालना पड़ेगा, एक को बोलना बाय बाय कल आओ, ठीक है? तो वैसे बी को कर दिया। सर क्यों किया? ए का वैल्यू मेरे को चाहिए। सर यहाँ पे आपने दो स्वॉर्ड था, एक को घर पे क्यों भेज दिया? अरे एक अंदर जाएगा, ठीक है? इसलिए तो ये लॉजिक बताया मैंने, फाइन। सो ए इक्वल टू कितना मिल गया, 4/3 सर मिल गया। आप क्या करेंगे? ए इक्वल टू 4/3 मिल गया, आप क्या करना है पता है क्या? बहुत सिंपल है। अब ये जो मेन इक्वेशन था ना अपना, ये वाला जहाँ जीरो पुट किया है, इसको कॉपी करके वापस पेस्ट कर दो। तो 4x का वैल्यू कितना मिल गया पता है? 4x का वैल्यू कितना मिल गया? वापस वही कॉपी किया, 2x माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, है ना? अब तुम बोलो सर यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस 1 को जीरो पकड़ा था, आप क्या करेंगे? अब 2x माइनस 1 को जीरो पकड़ना है, अब क्या करेंगे? 2x माइनस 1 को जीरो पुट करेंगे। सर क्यों किया ऐसा, पुट क्यों कर रहे हो? बिकॉज अभी वो एक बार यू नो एक ये वाला तलवार मैंने पुट कर दिया, अब दूसरा वाले की बारी, राइट? द टाइम ऑफ नेक्स्ट शॉट, राइट? दिस इज द टाइम फॉर नेक्स्ट शॉट। तो अब मैं इसको जीरो करना है मुझे, क्यों? क्योंकि बी का वैल्यू मिल सके, ए का मिल गया ना ऑलरेडी। तो क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पूरे को जीरो करना है। तो 2x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, राइट? फाइनली x मिल गया 1/2। सर ये x को कहाँ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है उधर पुट कर दो। सर यहाँ क्यों नहीं पुट किया x, अरे ये तो जीरो होने वाला है ना, अभी तो बताया मैंने। फाइनली 4 इंटू x की जगह पे क्या पुट किया, 1/2, राइट? x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू a इंटू, ये क्या है पूरा जीरो, प्लस b इंटू, सर x का वैल्यू 1/2 अभी निकाला तुम्हारे सामने, 1/2 प्लस 1। ओके देन सर यू विल बी आस्किंग मी सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर, यू नो व्हाट इज़ हाउ टू प्रोसीड फर्दर। बहुत सिंपल है, 4 इंटू 1/2 सॉल्व करो, 1 + 2 सर, राइट? सो आंसर कितना आता है, 4 इंटू 1/2 4/2 आता है कि नहीं? हाँ सर 2 आ गया, इक्वल टू a इंटू 0 0 हो गया, प्लस b एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, LCM ले लो, 3/2 आंसर आएगा। फाइनली आंसर क्या है, 2 इक्वल टू b इंटू 3/2। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, बी चाहिए उसको उधर रखो, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ से निकल के इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे को डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आएगा 2 × 2/3, देयरफॉर बी का वैल्यू आ गया 4/3। आई होप सब लोग को समझ में आया, किसका वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया 4/3। डोंट वरी, कल मैं इतने सारे सम्स लूँगा इसके कि तुम लोग यू नो यू विल बी वेरी डेंजरस टाइप ऑफ, यू विल बी परफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ सम्स, फाइन।
सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, बी मिल गया 4/3, ए भी मिल गया, अरे क्या मिल गया, हाँ बी भी मिल गया 4/3, ए भी मिल गया 4/3, सर दोनों सेम आ गए, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, आ गए तो आ गए, हम क्या कर सकते हैं, नहीं दो नो प्रॉब्लम, आ गए वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? ये वाला अब क्या करेंगे, ये जो मेन वाला, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, मेन वाला इक्वेशन क्या था हमारा, और तुम लोग को याद होगा मेन वाला इक्वेशन क्या था, लेट वाला याद है, लेट क्या किया था हमने, क्या बोला था, 4x अपॉन क्या बोला था, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू क्या बोला था, a अपॉन क्या बोला था, फैक्टर आया था ना, याद है फैक्टर वाला, x प्लस 1 और क्या बोला था, b अपॉन क्या बोला था, 2x माइनस 1, फैक्टर वाला याद है कि नहीं, मेन इक्वेशन, हाँ सर बोला था, इंटीग्रेशन को मैंने, ये इंटीग्रेशन था, इसको मैंने ऐसा फॉर्मेट में बनाया था, क्या करना है आप इंटीग्रेशन को बोलना, घर पे चला जाओ बेटा तू, ये आ जाओ, तो क्या हो गया, a अपॉन x प्लस 1 प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1, हाँ सर ये आ गया, आप क्या करेंगे, अरे a और b का वैल्यू मिलाना यार, पुट कर दो इधर, तो इंटीग्रेशन हमारा ये हो गया, a और b का वैल्यू है, सर a का वैल्यू कितना है, 4/3, देख लो जाके, हाँ सर 4/3, और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लूँगे, हाँ इंटीग्रेशन लेना है इसका, क्यों सर, बिकॉज ये इंटीग्रेशन था ना, तो अब ये इक्वल टू है, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन लेना है, राइट, सो इंटीग्रेशन ले लो पूरे का, यू नो आई टेक इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर थिंग, राइट, तो इंटीग्रेशन जब लूँगा मैं, तो इंटीग्रेशन ले लूँगा, हाँ सर ले लिया, 1 अपॉन x प्लस 1 का प्लस मल्टीप्लाई बी, बी कितना है, 4/3 है, और ये कितना है, 1 अपॉन 2x माइनस 1, राइट, और ये पूरे का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया। सर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, 4/3, 4/3 को बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 4/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन को बांट दिया मैंने, प्लस यहाँ पे भी क्या कर दिया, 4/3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन बाहर बांट दिया, राइट, सो dx यहाँ पे दोनों जगह दे दिया। थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा सर फास्ट जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, हम लोग कल करने वाले, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 4/3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, तुम लोग सोचोगे सर बाहर क्यों लिया इसको, देखो बहुत सिंपल किया, ए की जगह 4/3 लिखा है, बी की जगह 4/3 लिया और कुछ नहीं किया है, समझ में आ रहा है, 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन 2x माइनस 1 एज इट इज़ लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर ले लिया दोनों और इंटीग्रेशन बांट दिया, अरे बांटेंगे कि नहीं यार, कितने बार बताया दोनों को बांटना पड़ेगा, और बाहर ले लिया 4/3, बाकी सब एज इट इज़, 1 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज़, 1 अपॉन 2x माइनस 1 एज इट इज़। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, 4/3 एज इट इज़, 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x कितना होता है, लॉग एक्स प्लस सी, अरे होता है कि नहीं लॉग एक्स, हाँ सर होता है, तो लगा दो लॉग एक्स, बट एक्स था सर, अरे ये एक्स था इसलिए एक्स था, ये एक्स प्लस वन है इसलिए एक्स प्लस वन, फाइन। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? इसका आंसर आ गया +4/3 एज इट इज़, और इसका भी आंसर क्या होगा, 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना है, लॉग एक्स, सिमिलरली 1/x का आंसर क्या होगा, लॉग एक्स। बट सर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर चेन रूल इंटीग्रेशन में नीचे लगता है, राइट, नीचे लगता है, मैंने बताया हुआ है सर, एक्स का चेन रूल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा नीचे, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, लगाओ मत लगाओ डोंट वरी। सर यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल 2x का चेन रूल कितना होता है, 2। सर ये -1 का चेन रूल क्यों नहीं लगा रहे, -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 1 का क्यों नहीं लगा, इसका भी डेरिवेटिव 0 होता है, x का कितना होता है 1 और 2x का कितना होता है 2। सर बट चेन रूल तो यहाँ लेते हैं ना, वो डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में नीचे देते हैं, अगर भूल गए हो तो प्रीवियस वीडियोस देखो, ये आंसर है। होप सब लोगों को समझ में आया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन, आई होप द सम्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी टफ सम्स, आई कैन अंडरस्टैंड, टफ नहीं याद रखो, बड़े बड़े सम है, मुझे मालूम है बड़े तो हैं, बिल्कुल बड़े हैं, बट डोंट वरी, हम लोग इतने करने वाले हैं कि कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, फाइन। सो आई नो यू हैव अ लेक्चर, सो आई विल एंड द वीडियो हेयर इटसेल्फ, मैं एंड कर दूंगा अभी, आई होप सब लोग को समझ में आया, येस और नो जल्दी बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं, क्या किया मैं बताता हूँ, a अपॉन x प्लस 1 प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1 ना, ये मैंने वापस लिख दिया, उस बस इतना ही काम किया, a और b का वैल्यू पुट कर दिया, 4/3 और 4/3, क्यों पुट किया, अगर करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि a और b अगर पुट नहीं करोगे तो सॉल्व कैसे होगा। सर उसके बाद क्या किया, ये इंटीग्रेशन देखो, ये इंटीग्रेशन था ना, 4/3 पुट कर दिया दोनों जगह, उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेशन है ना, देखो एक के लिए था, राइट, पूरे सम के लिए मैंने दोनों को बांट दिया, बांटना कंपलसरी है, और dx भी साथ में दे दिया। सर उसके बाद क्या किया, 4/3 था ना, उसको बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन के बाहर लिखते, ये वाले 4/3 को भी बाहर लिख दिया, वाई, बिकॉज दैट इज़ अ रूल हाउ इट वर्क्स, राइट, कॉन्स्टेंट शुड बी टेकन आउटसाइड। फिर उसके बाद क्या किया, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स प्लस सी, राइट, सो 1 अपॉन x का कितना होगा, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन चेन रूल लेते हैं, इंटू नहीं लेते हैं, चेन रूल डेरिवेटिव में इंटू होता है, इंटीग्रेशन में नीचे चेन रूल लेते हैं, एक्स का चेन रूल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 और 1 का रेडो 0 छोड़ दो। सर प्लस 4/3 एज इट इज़, लॉ 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स होता है,
बट सर ये तो x नहीं है, तो 2x माइनस 1 है सर, इसका चेन रूल लेना पड़ेगा ना, बट हाँ चेन रूल लेंगे ना, बट डेरिवेटिव नहीं है, लेना डेरिवेटिव ही है बट मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे, डिवाइड में लेंगे बिकॉज दिस इज इंटीग्रेशन। लेना तो डेरिवेटिव ही है, तो 2x का डेरिवेटिव कितना है 2, एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव छोड़ दो, डोंट लीव इट। फाइन, सो होप यू एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर, वी विल कंटिन्यू सम्स टुमारो एंड वी विल डू मेनी सम्स, डोंट वरी, चलो बाय बाय।